नमस्कार किसान भाइयों, आपका आर्मर्स गॉड फॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, थंबनेल में देखा होगा, आज हम डिस्कस करेंगे निलजान के बारे में। निलजान सिरप किस किस काम में आता है और क्या डोजेस देने चाहिए। दोस्तों, आज हम चिकित्सा पद्धति पे बात करेंगे कि निलजान का उपयोग करना सही है, नहीं है, डोज क्या है और कैसे करना चाहिए। जैसे कि आपको ये निलजान का एक बड़ा कंटेनर दिख रहा होगा, ये 5 लीटर के आसपास का आता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हम लगता है कि डिवॉर्मिंग करनी चाहिए, कभी भी एक तरह से डिवॉर्मिंग नहीं करना चाहिए। मतलब एक ही, अगर निलजान से कर रहे हैं तो निलजान से ही नहीं करते रहना चाहिए, डिवॉर्मर हमेशा आपको बदलना चाहिए। उसका रीजन क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अभी ये निलजान से करना है हमें, डिवॉर्मिंग करना कैसे। सबसे पहले निलजान से डिवॉर्मिंग करने के लिए रात में जब बकरियों को बाड़े में डालें तो उनको गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा बॉडी वेट के हिसाब से खिला दें। उससे क्या है, जो कीड़े हैं पेट के वो सारे एक जगह एकत्रित हो जाएंगे और सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठ करके बकरियों को बॉडी वेट के हिसाब से निलजान को देना है। जैसे कि आप ये निलजान का दो अलग अलग फोटो देख रहे होंगे, इसमें आपको प्रॉपर साल्ट नहीं नजर आ रहा, मगर इस वाली सेकेंड वाली वीडियो में फोटो में आपको साल्ट नजर आ रहा है। जैसे जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, कोबाल्ट सल्फेट है। तो दोस्तों, बहुत सारे भाइयों का कहना होता है, क्या हम प्रेगनेंसी में कौन सा मेडिसिन है जो सेफ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, निलजान बिल्कुल सेफ है। आपकी बकरी प्रेग्नेंट है, नहीं प्रेग्नेंट है, एडल्ट है, बच्चा है या किसी भी प्रकार है, दोनों में से प्रेग्नेंट है या नहीं प्रेग्नेंट है, आप दोनों कंडीशन में आप डिवॉर्मर दे सकते हैं। तो जैसे कि आप में मैं साल्ट बता दिया आपको, आपको ये बता दिया, अब मैं आपको डोजेस बता देता हूँ। डोजेस 1 ml, अगर आपका बकरी बच्चा या कुछ भी 3 किलो का है तो 3 किलो पर आपको 1 ml देना है, मतलब 30 किलो पे 10 ml। अच्छा, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें क्या क्या कवर है, इस मतलब ये दवा पिलाएंगे तो इसमें क्या क्या असर होगा। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, निलजान मोस्टली जो अंतः परजीवी होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। बाह परजीवी के लिए निलजान का यूज बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बहुत कम होता है। अंतः परजीवी के लिए निलजान का यूज बहुत होता है। अगर आपने मेरी वीडियो लीवर फ्लुक के बारे में नहीं देखी हो तो कृपया करके उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देख लें। मैं कह रहा हूँ किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लीवर फ्लुक की कंडीशन में, ठीक है। अच्छा देखो, ये अंतः वही जो मैंने आपको बताया अंतः परजीवी वाला है, लीवर फ्लू, फेफड़ों फेफड़ों में अगर इनके सूजन आ जाती है या कीड़े पड़ जाते हैं तो उसके लिए देखो, पेट अगर पेट से रिलेटेड कीड़े हैं अंदर इंटरनल, तब तो निलजान बहुत ही अच्छी दवा है। तो यही लास्ट पॉइंट यही है, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रेगनेंसी सेफ है, आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, ये नहीं कि आप बच्चा होने वाला है तब आप दे रहे, नहीं। प्रेगनेंसी सेफ का मतलब होता है एक रेजिस्टेंस, लाइक 15 दिन पहले या 1 महीने पहले, 1 महीने पहले से करा दो। अगर लास्ट महीने चल रहा है बकरी का तब ज़्यादा मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, उस टाइम प्रेगनेंसी सेफ है, बट अगर गलती से दवा रिएक्शन कर जाए या कुछ हो जाए, आप ध्यान न दें, तो उससे क्या होता है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और हमेशा याद रखें, दवा पिलाने से पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर चेक कर लें कि वो एक्सपायर तो नहीं है या कुछ हो, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं। किसान भाइयों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, निलजान या किसी भी प्रकार का डिवॉर्मिंग या डिवॉर्मर से डिवॉर्मिंग करने के बाद बकरी को दस्त या दूध कम हो जाना, जैसे कोई गाभिन बकरी है उसकी दूध कम हो जाता है, या कोई बकरी है वो थोड़ा चारा कम खाती है, या कई बार होता है बकरी को बहुत ज़्यादा दस्त लग जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि बकरी को गैस बन जाती है, तो ये सब आम लक्षण है। ये कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं डिवॉर्मिंग करने के बाद बकरी को दस्त लग गया, सोचो कि मेरी बकरी तो डिवॉर्मिंग करने के बाद ज़्यादा बीमार हो गई, इससे पहले अच्छी थी। तो ये सब लक्षण है कि आपके कीड़े मर गए हैं। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो आप क्या करके एक लीवर टॉनिक ले आइए, किसी का भी, विरबैक का, हिमालय का या किसी भी कंपनी का एक लीवर टॉनिक ला के आप अपनी बकरी को 2 से 4 दिन तक कंटिन्यू लीवर टॉनिक दें। बॉडी वेट के हिसाब से बकरी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, मतलब वापस उसी अवस्था में आ जाएगी जिस अवस्था में थी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर गाभिन बकरी, गाभिन है तब भी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, नहीं गाभिन है तब भी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं।
अगर बकरी बच्चा दे रखा है और दूध दे रही है, अगर उसका दूध कम हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब आम सिम्टम है आफ्टर डिवॉर्मिंग। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, लिख कर बताएं सर मुझे ये डाउट है, और आपको लगता है कि आपकी किसी भी बकरी को प्रॉब्लम है और उसका इलाज चाहिए तो कृपया करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। उसका नाम है इन्फॉर्मेशन गोट फार्मिंग, ठीक है? वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।